सब्सक्राइब करें रियल ड्रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल ड्रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर गाउन बनाना बताएंगे। गाउन के लिए हमने यहाँ पे प्लेन फैब्रिक लिया है जो है 4 मीटर। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गाउन का टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। टॉप पार्ट की लेंथ हम लेंगे 15 इंचेस। शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 7 इंचेस। यहाँ से आर्म होल की लेंथ हम लेंगे 7 इंचेस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट की ब्रॉडनेस लेंगे। हमने यहाँ पे लिया है 11 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। कमर की विथ हमने ली है 9.5 इंचेस। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट करेंगे। इस तरह टॉप पार्ट हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है, इसे इस तरह 2 फोल्ड किया हुआ है। अब हम बॉटम पार्ट कट करेंगे। इस तरफ है फोल्डिंग साइड। आउट साइड से हमें फैब्रिक को फोल्डिंग की तरफ टर्न करना है। इस तरह टर्न करते हुए ट्रायंगल शेप बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह ट्रायंगल शेप बना लिया है। अब यहाँ पे हम कमर की ब्रॉडनेस लेंगे। इसके लिए हम टॉप का पार्ट लेंगे। टॉप पार्ट को हम 2 फोल्ड करेंगे इस तरह और ऊपर यहाँ पे रखेंगे। दोनों तरफ मार्क कर लेंगे और हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। अब हम बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे। बॉटम पार्ट की लेंथ हम लेंगे 32 इंचेस। इस तरह हम पूरे राउंड में 32 इंचेस मार्क करते जाएंगे। अब नीचे की लाइन और ऊपर की लाइन को कट करेंगे। इस तरह बॉटम पार्ट हमने कट कर लिया है। अब इसे ओपन करेंगे। अब इस तरफ फोल्डिंग है, इसे भी हम कट करेंगे ताकि हमें फ्रंट और बैक पार्ट के लिए 2 लेयर मिल सके। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। इसके लिए भी फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया है। स्लीव की लेंथ हम लेंगे 13 इंचेस और स्लीव की चौड़ाई हम लेंगे 9 इंचेस। यहाँ से नीचे की तरफ 3 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। मोरी की चौड़ाई हमने ली है 6.5 इंचेस। ऊपर से नीचे दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। तो इस तरह हम स्लीव कट कर ली है। अब 1 साइड राउंड शेप देते हुए कट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक सिंगल बिछाया है। इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। फ्रंट पार्ट में टॉप पार्ट का 2 लेयर है। तो इस तरह हमें फ्रंट पार्ट को
इस फैब्रिक को ऊपर बिछाना है और एजेटिंग इसे कट करेंगे। अब इस पार्ट को हम टू फोल्ड करेंगे। इसी तरह फ्रंट और बैक पार्ट भी टू फोल्ड करते हुए यहाँ पर रखेंगे। तीनों पार्ट को हमने इस तरह रखा है। अब सभी के नेक की चौड़ाई और लेंथ हम मेजरमेंट करेंगे। नेक की चौड़ाई हम लेंगे 3 इंचिस और बैक पार्ट की नेक की लेंथ लेंगे 1 इंचिस। हल्का सा राउंड शेप देना है और इसे कट कर लेंगे। इसी तरह फ्रंट पार्ट की नेक की चौड़ाई भी हम 3 इंचिस लेंगे और नेक की लेंथ हम लेंगे 6 इंचिस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे और इस पार्ट की नेक की चौड़ाई भी 3 इंचिस लेंगे और नेक की लेंथ हम लेंगे 3 इंचिस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। यहाँ से अंदर की तरफ 1 इंच पे मार्क करना है और नीचे यहाँ से अंदर की तरफ 4 इंच पे मार्क करेंगे। अब नीचे से ऊपर हम इस तरह का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह सभी ड्रॉ हो जाने के बाद दोनों पार्ट की नेक हम कट करेंगे। इस तरह हमने फ्रंट और बैक पार्ट का नेक कट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने फ्रंट के दोनों लेयर लिए हैं। इस पार्ट के नेक पे हम स्ट्रिप अटैच करेंगे जो हमने क्रॉस में काटी है, जिसकी चौड़ाई है 1 इंचिस। इसे नेक पे अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। अब इस टॉप पार्ट के ऊपर हमें इस तरह की लाइन ड्रॉ करनी है, हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए। इस तरह क्रॉस में हमें डबल सिलाई करके यहाँ पे पैटर्न बनानी है नीचे तक। दोनों तरफ हमें इसे इस तरह सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, हमने पूरे फैब्रिक पे इस तरह की लाइनिंग हमने कर ली है। अब इस दोनों पार्ट के इस शेप में पाइपिंग बनाएंगे। पाइपिंग के लिए हमने यहाँ पे गोल्डन फैब्रिक लिया है जो हमने क्रॉस में काटी है। इस स्ट्रिप को इस तरह बॉर्डर पर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करते हुए पाइपिंग बनाएंगे। दोनों तरफ इस तरह की पाइपिंग हमें बनानी है। तो ये देखिए, हमने पाइपिंग बना ली है। अब इस दोनों पार्ट को फ्रंट पार्ट के नीचे के लेयर पे अटैच करेंगे। फ्रंट का टॉप पार्ट हमने लिया है, इसके ऊपर ये दोनों लेयर को आर्म होल और शोल्डर को मिलाते हुए हमें इसे अटैच करना है। और यहाँ से नेक से लेके नीचे तक पूरी कोटी को हमें इसे इसके साथ अटैच कर लेना है।
तो ये देखिए दोनों लेयर को हमने टॉप पार्ट के साथ अटैच कर लिया है। अब टॉप पार्ट के राइट साइड बैक पार्ट को उल्टा रखेंगे और शोल्डर अटैच कर लेंगे। शोल्डर हमने अटैच कर लिया है। अब नेक पे कॉलर अटैच करेंगे। इसके लिए हम पूरी नेक की लेंथ लेंगे, गोलाई की लेंथ हमें लेनी है। तो ये देखिए गोलाई की लेंथ है 17 इंचेस। कॉलर के लिए हमने यहाँ पे स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 3 इंचेस और नेक लेंथ हमने लिया है 18 इंचेस। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है फोल्डिंग के लिए। तो इस स्ट्रिप को इस तरह टू फोल्ड करेंगे और दोनों तरफ राउंड से बिते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी है। अब इसे हम राइट साइड टर्न करेंगे। अब इस स्ट्रिप को हम कॉलर पे अटैच करेंगे। टॉप पार्ट को हम राइट साइड रखेंगे और यहाँ पे दोनों पार्ट को हल्का सा ओपन करेंगे और 1 लेयर को इसके साथ अटैच करेंगे राउंड शेप में। 1 लेयर को हमने अटैच कर लिया है। अब दूसरे लेयर को भी हमें सिलाई वाले पोर्शन को अंदर की ओर रखते हुए इस बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करेंगे। इस बॉर्डर को इस तरह फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस तरह हमने इस कॉलर को अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव अटैच करेंगे। टॉप के राइट साइड स्लीव को इस तरह उल्टा रखेंगे और आर्म होल में हम सिलाई लगाएंगे। दोनों स्लीव को हमें इस तरह अटैच करना है। तो ये देखिए हमने दोनों स्लीव को अटैच कर लिया है। अब स्लीव के बॉर्डर पे हमें पैटर्न बनानी है। इसके लिए हम मोरी की लेंथ लेंगे। मोरी की चौड़ाई है 13 इंचेस। पैटर्न के लिए हमने यहाँ पे इस तरह की स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 5 इंचेस और लेंथ हमने मोरी की अकॉर्डिंग लिया है। स्ट्रिप के सेंटर में हम मार्क करेंगे। अब दोनों तरफ हम 2.5 पे मार्क कर लेंगे सेंटर मार्क से दोनों तरफ। इस तरफ भी हम 2.5 पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम इस तरह राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। और इस तरफ भी हमें इस तरह का शेप देते हुए ड्रॉ करना है। तो इस तरह की 4 स्ट्रिप कट होगी इस तरह के शेप में। इसी साइज की 3 पीसेस हमने कट कर लिए हैं। तो ये देखिए हमने 4 पीसेस कट कर लिए हैं और इसे जोड़ने के बाद इस तरह का शेप आएगा। अब सभी स्ट्रिप के नीचे के बॉर्डर पे पाइपिंग बनानी है। राइट साइड से इस बॉर्डर पे अटैच करेंगे और पाइपिंग बनाएंगे। इसी तरह सभी स्ट्रिप में हमें पाइपिंग बना लेनी है। अब इस दोनों स्ट्रिप को इस तरह मिलाएंगे।
इस तरह मिलाते हुए हमें ऊपर सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। अब इसे हम स्लीव के मोरी की बॉर्डर पे अटैच करेंगे, स्लीव के राइट साइड। इस पार्ट को इस तरह उल्टा रखेंगे और दोनों बॉर्डर को मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दूसरे स्लीव में भी हम इसे इस तरह रॉन्ग साइड रखते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों स्लीव में हमने इस तरह स्ट्रीप अटैच कर ली है। अब टॉप पार्ट के साथ बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। टॉप बॉटम को हम अटैच कर लेंगे। टॉप बॉटम को हमने अटैच कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट में कमर के बॉर्डर पे हमें इस तरह की लेस अटैच करनी है जिसकी चौड़ाई है 3 इंचेस। दोनों तरफ को बॉर्डर को मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमने लेस स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब फ्रंट और बैक का राइट पार्ट को मिलाते हुए हम फिटिंग करेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिला लिया है। अब दोनों तरफ स्लीव से लेकर नीचे तक 1 इंच का मार्जिन रखते हुए फिटिंग करेंगे और नीचे के बॉर्डर को रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी है और नीचे के बॉर्डर को भी रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है। अब इस काउंट को हम राइट साइड टर्न करेंगे। अब यहाँ पे मैंने बटन और डोरी ली है। बटन को हमें यहाँ पे अटैच करना है और डोरी को इस तरह 2 फोल्ड करके यहाँ पे अटैच करेंगे। अब यहाँ पे हम पेच अटैच करेंगे। इस तरह का पेच हमने लिया है, यहाँ पे इसे सिलाई लगा के फिक्स कर लेंगे। तो इसी के साथ यह डिज़ाइनर गाउन हमारा रेडी हो चुका है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करेगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।